हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो आपको फ्रैक्शन चैप्टर से आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन पार्ट पार्ट करके सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन चैप्टर का ये पार्ट वन है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ना है तो मैंने पहले पढ़ा रखा है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के फ्रैक्शन चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया है, वहां पे आपको ये बताया था कि फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन चैप्टर मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर पहले में ये इस तरह से दिया गया, में सबसे बड़ी कौन है आपको ये बताना, यानी इन चारों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन है आपको यही बताना है। तो इसका पता करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, लेवल टू कहें या स्टेज टू में पूछा गया। सबसे पहले ये देखिए, तो ये देखिए फ्रैक्शन कैसे दिख रही, आप बताएंगे सर ये जो फ्रैक्शन है प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है मीन्स उचित भिन्न है। उचित भिन्न का मतलब क्या होता है कि जिसका अंश क्या हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो, अंश देखिए हर से छोटा, अंश जो हर से छोटा है, तो ऐसे भिन्नों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। अब देखिए इनमें सबसे बड़ा बताना है ना, तो आप करिए अंश और हर का डिफरेंस करिए, जब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, दो मिलेगा। तो इसके डिफरेंस से क्या करें, इसमें डिवाइड करिए, तो दो तीन छः हो गया और दो पच्चे कितना हो जाएगा, पाँच। जब डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 3.5 मिलेगा। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, वन। वन से अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, सिक्स बार जाएगी। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, तीन मिलेगा। तीन से इसको डिवाइड करेंगे तो तीन सात 21 हो गया और तीन तरीका नौ, ये इस तरह से आपको मिलता रहेगा। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो दो का डिफरेंस मिलेगा और इसमें डिवाइड करेंगे, अंश में डिवाइड करेंगे तो 5.5 मिलेगा। अब पूछा कि सबसे बड़ी पूछा है ना, अब ये चेक करिए कि इन सभी में कौन बड़ा है, आप बताएंगे सर ये वाला बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो हम लोग कहेंगे ये फ्रैक्शन में क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। अतः सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, 22/25। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेहद ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, और भी मेथड पता करने का, दो से तीन मेथड और है जो कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया, फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ाया, प्लेलिस्ट बनी है, बहुत पहले मैंने पढ़ाया, तो बहुत नीचे जाकर के देखेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या आप जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे मैं आपको फ्रैक्शन चैप्टर का लिंक आपको दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप देख सकते हैं। तीन से चार पार्ट में मैंने आपको फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाया है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर सेकेंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर सेकंड में निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है आपको ये बताना है। अब देखिए ये फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। तो ये देखिए मैंने बताया पीछे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, उचित भिन्न के लिए क्या बताया, जिसका अंश क्या हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से क्या छोटा हो, अंश हर से छोटा है, अंश जो हर से छोटा है, तो ऐसी भिन्न क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अब इनमें बताना कौन सबसे छोटी है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, दो। दो से नौ में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दो चौकू आठ, यानी कितनी बार में कटेगा, साढ़े चार बार। इन दोनों का जब डिवाइड करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो पाँच मिलेगा, तो पाँच एकम पाँच हो गया, पाँच छः का तीस, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वन मिलेगा, अगर अंश में डिवाइड करेंगे तो ये ग्यारह मिलेगा, और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, चार। चार से इसमें डिवाइड करेंगे तो चार का ये कितना, ढाई गुना है, दस जो चार का कितना, ढाई गुना। अब ये चेक करिए इनमें सबसे छोटा कौन है, तो आप बताएंगे सर इनमें जो सबसे छोटा ये है, अगर सबसे छोटा ये है तो हम लोग क्या बताएंगे, सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो जाएगी, 8/13, यानी बी वाला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर थर्ड में ये इस तरह से दिया गया है, में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी इन फ्रैक्शन में बताना है सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी। सबसे पहले ये चेक करिए,
ये जो फ्रैक्शन है कौन से उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है। देखिए मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी चैप्टर वाली क्लास एक बार जरूर से देख लीजिएगा फ्रैक्शन का, ताकि आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सी उचित भिन्न है, कौन सी अनुचित भिन्न है, और भिन्नों के कितने प्रकार होती, भिन्न कितने प्रकार की होती, सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे बता रखा है। और उसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं चैप्टर मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसका जो अंश है हर से क्या इस बार बड़ा है, अंश हर से क्या बड़ा, अंश हर से बड़ा है, अंश क्या हर से बड़ा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन है आप बताएंगे? सर ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर आप बोल सकते हैं। कैसी फ्रैक्शन है ये? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स इससे आप क्या बोल सकते हैं? अनुचित भिन्न बोल सकते हैं। ये भिन्न कैसी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब यहां से इनका डिफरेंस नहीं करेंगे, इनका डिफरेंस करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। पीछे वाली जो फ्रैक्शन थी वो प्रॉपर थी, जिसका अंश क्या होता था? हर से छोटा होता था। पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो अंश जो होता था हर से छोटा होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए तो जो अंश हर से क्या बड़ा है, तो ये कैसी फ्रैक्शन है आप बताएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करके डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो इसको डायरेक्ट, चूंकि वैल्यू छोटे छोटे है तो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर फ्रैक्शन यहाँ पे वैल्यू बड़ी बड़ी रहती तो इसके और भी दो से तीन मेथड है जो कि मैंने आपको चैप्टर में बताया है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट इसको डिवाइड कर, सबसे बड़ी पूछा है ना, तो ये देखिए ऑलरेडी किसमें, ये निगेटिव है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये तो माइनस में, ये तो होगा नहीं। अब आपके पास ये बचे, अगर मैं इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1.5 बार जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दुना 8 हो गया, कितना मिलेगा? 4 दुना 8, और यहाँ पे 2 पॉइंट कुछ आपको मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी? 2 दुना 4 हो जाएगा, 2 दुना 4, और बचा कितना? 1। तो यहां से कितना हो जाएगा? 2 × 5 = 10। इसको भी डिवाइड करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2.5 आया, इसको डिवाइड करिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी? 4 दुना 8, बचा कितना? 3। जैसे दशमलव लग गया तो कितना हो गया? 3। 4 साथ कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए इनमें पूछा क्या, सबसे बड़ी पूछा है ना, तो इनमें इसको आप पहले ही छोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस में है तो ये सबसे छोटी हो गई। अब इनमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो आप बताएंगे ये वाला सबसे बड़ा, 2.7। अतः इन चारों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी फ्रैक्शन ये होगी 11/4। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। आप डिफरेंस करके क्यों नहीं डिवाइड करेंगे? ये मैंने आपको बता दिया है कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मीन्स अनुचित भिन्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 में ये इस तरह से दिया गया और पूछा कि कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। सबसे पहले करना कि आप यहां से देखिए कौन सी फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, तो आप बताएंगे सर उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे जो अंश है हर से क्या छोटा है, अंश हर से छोटे, अंश हर से छोटे हैं, तो ये उचित भिन्न है। अब देखिए करना कि आप यहाँ से डिफरेंस करके आप इनका डिफरेंस करेंगे तो 7। देखिए जब ये उचित भिन्न रहती है तब आप इनका डिफरेंस करके अंश में आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बढ़ जाएगी? यहाँ से दशमलव कितना हो जाएगा? 7 × 7 हो गया, और बचा कितना? 3। देखिए आगे डिवाइड करते हैं, अभी इसको पूरा डिवाइड नहीं करें। यहां से डिफरेंट करेंगे कितना मिलेगा? 10 मिलेगा। 10 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 0.2 आपको मिलेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा? 13। 13 से इसमें भाग जाएगी नहीं, जैसे मैं यहाँ पे दशमलव लगा दूं तो यहाँ पे कितना हो गया? 30। तो 13 दुना कितना हो जाएगा? ये 26। कितना हो गया? 13 दुना 26, और बचा कितना? 13 तीन कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ये तो पूरा पूरा कट गया, इसके आगे जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं। ये देखिए कितना मिलेगा, कह सकते ये कितना है? 1/5 इसको बोल सकते हैं, बोल सकते इसको 1/5 आप बोल सकते हैं। अगर आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? 0.5 बार जाएगी, सॉरी 5 दुना, हाँ सही है, कितनी बार जाएगी? इतनी बार ये जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो प्रश्न देखिए पूछा कि हमसे प्रश्न पूछा कौन सबसे बड़ी है, आप इसके आगे जीरो लगा सकते, कोई फर्क नहीं। देखिए इनमें सबसे बड़ी कौन सी है आप बताएंगे सर? ये 0.01 है, और ये 0.20 है, और ये इतना, तो सबसे बड़ा देखिए ये, अगर सबसे बड़ा ये है तो फ्रैक्शन भी क्या होगी, सबसे बड़ी कितनी होगी? 4/5। तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन
निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है आपको ये बताना है। देखिए यहाँ से अगर कट रहे तो काट कर छोटा कर लेंगे तो और बेहतर है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4 मिलेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1/8 मिलेगा, और इसको डिवाइड करेंगे 25 × 100 हो गया तो 1/40 मिलेगा, ये 40 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए सभी के हर क्या है, समान है। अगर सभी के हर समान है, अब प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। अगर सभी के हर समान है तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो सबसे छोटा देखिए हर किसका, आप बताएंगे सर इसका है। अगर सबसे छोटा हर इसका है तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये 5/4, अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि इन चारों फ्रैक्शन में सबसे बड़ी कौन सी होगी, 5/4 होगी। अगर प्रश्न ये पूछता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होती, तो जिसका हर सबसे बड़ा होगा उसका मान क्या होगा, सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा पूछता तब इसका आंसर 1/40 आता, ये भी एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए तो इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, भिन्नो, अब ये भिन्नो दी गई है, आपसे पूछा कि अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते हुए क्रम में आपको लिखना है, घटते हुए क्रम में आप लिखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कौन से भिन्न है, उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न, मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप बताएंगे सर अंश जो है हर से क्या छोटे हैं, अंश हर से छोटे हैं तो ये कैसे भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप यहाँ से इनका डिफरेंस करके इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंस 1 मिलेगा। इसको डिवाइड करेंगे भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 से इसमें डिवाइड करेंगे पॉइंट कितना मिलेगा, ये 2 मिलेगा। यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे या 1/2 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, या इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 हो गया, 4 दूना कितना हो गया, 8, 4 × 5 = 20 हो गया। इसको यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 4, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.47 वैसे आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, चूंकि वैल्यू छोटी छोटी है तो आप डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं, इसके डिवाइड करिए इसमें, इससे डिवाइड करिए इसमें, इससे डिवाइड करिए इसमें, इससे डिवाइड करिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू छोटी छोटी है, मान छोटे छोटे, तो हम लोग डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। डिफरेंस का कब यूज करते हैं, जब ये अगर मान इनके बीच में क्या हो, बहुत ज़्यादा गैप हो, यानी आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो, तो आप डिफरेंस कर सकते हैं। अब ये चेक करिए इसको क्या करना, और यानी घटते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे बड़ा आप लिखेंगे, सबसे बड़ा क्या, ये सबसे बड़ा क्या, सॉरी सबसे बड़ा देखिए ये 2 दिखा, सबसे बड़ा ये, तो पहले नंबर पे ये आएगा, और सबसे छोटा देखिए कौन सा, सबसे छोटा देखिए ये चौथे नंबर पर ये आएगा, पहले नंबर पर ये वाला और चौथे नंबर पर ये, देखिए कहीं दिख रहा है क्या, 2/3 इसमें देखिए दिख रहा है, और किसी में नहीं दिख रहा, 2/3 तो 2/3 आ गया, और लास्ट में देखिए ये वाला आएगा चौथे नंबर पर, तो ये आपका आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं ये दिया गया आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। आरोही का मतलब क्या होता है, ये बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है, यानी ये जो संख्या, ये जो दशमलव वाली संख्याएं दी गई है इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा देखिए इसमें कौन है, तो ये देखिए दशमलव के बाद 0, 8 है ना, और ये दशमलव के बाद 2 है, तो सबसे पहले नंबर पर ये आएगा, यानी सबसे छोटा ये होगा, फिर उससे बड़ा ये है, फिर तीसरे नंबर पर देखिए ये आएगा, और चौथे नंबर पर आपका ये आएगा, ये 2 point कुछ है। तो पहले नंबर पे देखिए ये आएगा, तो देखिए किस में दिख रहा है, 0, 8, ये वाला देखिए डी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से भिन्न आरोही क्रम में है आपको ये बताना है। देखिए अगर आप इसका करेंगे, सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन कौन सी है, सभी के अंश जो हर से क्या छोटे, अंश जो हर से छोटे हैं तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप क्या करें, पहले वाले को लेकर के चेक करिए, देखिए कौन आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में है, कौन से आपको ये चेक करना है,
क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आप देखिए यहां से डिफरेंस करेंगे, अगर आप इन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा अंतर, आप बताएंगे सर 6 मिलेगा। 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 2 बढ़ जाएगी। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा 3। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 3 चौको कितना हो गया 12 हो गया, और 3 छको कितना हो जाएगा 18, इतनी बढ़ जाएगी। अब देखिए इससे यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 3। 3 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो गया, और 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, इस तरह से आपको मिलता रहेगा ये, ठीक है, इस तरह से आपको मिलता रहेगा। तो पूछा कि कौन से भिन्न आरोही क्रम में, कौन से भिन्न बढ़ते हुए क्रम में, क्या ये देखिए बढ़ते हुए क्रम है कि नहीं, पहले 2 आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा। मैं देख रहा हूँ कि पहला वाला ही ऑप्शन मुझे मिल जा रहा है, ये क्या है आरोही क्रम में है, ये पहले से आरोही क्रम में सेट है, तो इस पर टिक करके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अगर इसको देखेंगे तो इसका मान कितना मिल गया है आपको, 14/7, यानी कितना ये 4.6 लिख सकते हैं, और 12/18 का मान कितना ये 2 है, कितना है 2, और इसका मान कितना 5.33। क्या ये देखिए ये आरोही क्रम में है क्या, आप बताएंगे सर ये आरोही क्रम में नहीं है, ये 4.6 है और ये फिर इसके बाद छोटा आ गया। आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना, तो इससे बड़ा आना चाहिए ना, तो ये क्रम होगा नहीं, आगे भी देखेंगे ये सब नहीं होंगे, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 में अनुपात आपको दिया गया है, को अवरोही क्रम में लिखिए, अवरोही का मतलब क्या हो गया, घटते हुए क्रम में आपको लिखना है, घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 7/5 लिख सकते हैं, और इसको क्या बोल सकते हैं आप, जब इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 आप बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, 3/2 आप बोल सकते हैं, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 6/ कितना है ये, 6/4 है, ऐसा ही लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ से देखेंगे तो फ्रैक्शन कैसी है, आप बताएंगे सर इम्प्रॉपर है, जिसका अंश क्या हर से बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर है, यानी अनुचित भिन्न है। अब देखिए यहाँ से डिफरेंस करके आप डिवाइड नहीं करेंगे, डिफरेंस करके डिवाइड कब करेंगे, जब अंश क्या हो हर से छोटा हो तब आप करेंगे, लेकिन अंश यहाँ पे बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप डायरेक्ट इसमें डिवाइड करिए। और भी मेथड है जो कि मैंने आपको चैप्टर में बताया है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है क्या छोटी छोटी है ना, तो मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ, बहुत जल्दी आ जाएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी बड़ी रहती तब हम लोग दूसरा तीसरा मेथड यूज करते जो कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया, फ्रैक्शन चैप्टर में, तो प्लेलिस्ट में आपको बना दूंगा या वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के फ्रैक्शन चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 1.66 इस तरह से मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो 5 × 5 हो गया, और बचा कितना, 5 × 20 हो गया। अगर आप इससे डिवाइड करेंगे, 4 × 4 हो गया, और बचा कितना, 2, तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। अब कि इसे करना क्या, आपको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले आप लिखेंगे सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे। तो पहले नंबर पे देखिए ये आएगा आपका, पहले नंबर पर आपका ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे देखिए ये 0 लिख सकती है, इसके आगे भी 0 बढ़ा सकते, कोई फर्क नहीं। तो देखिए इससे छोटा कौन है, आप बताएंगे इससे छोटा सर ये दूसरे नंबर पर ये आएगा, और इससे छोटा देखिए ये मिला, ये तीसरे नंबर पर आएगा। अगर आप इनका क्रम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले 5/ कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, फिर इसके बाद कितना लिखना होगा आपको, 6/10, 5/3, यहाँ पे 5/3 है, 5/3 यहाँ पे, ये तो होंगे नहीं, ये तो ऑप्शन क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। 5/3 यहाँ पे, 5/3 यहाँ पे, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, 6/4, तो 6/4 इसमें दिख रहा है ना, तो आप बता सकते कि इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया एनटीपीसी में 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दिए गए संख्याओं का सही आरोही क्रम कौन सा है, आपको ये बताना है। आरोही क्रम बताना है, बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है कौन आरोही क्रम में। अगर देखिए मैं इसका यहां से डिवाइड करूंगा तो ये भाग कितनी बढ़ जाएगी, आप बताएंगे या तो डिफरेंस करके डिवाइड कर लीजिए, या इनका डिफरेंस करके डिवाइड करिए, या डायरेक्ट भी भाग आप दे सकते हैं। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे या तो डिफरेंस करके ही दे लीजिए, या तो डायरेक्ट भी दे, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। अगर मैं इसका डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 0.33 इस तरह से आपको मिलेगा।
अगर आप इससे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूँ, डिफरेंस नहीं कर रहा, अगर इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लग गया, अब यहाँ पे कितना हो गया 40, तो 40 हो गया तो 15 दुना कितना हो जाएगा 30, 15 दुना कितना होगा ये 30 होगा, 15 दुना 30। अब देखिए हम लोग रहने देने कोई जरूरत नहीं है आगे डिवाइड करने की। अब देखिए पूछा कि कौन आरोही क्रम में है, तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पॉइंट टू आएगा कि पॉइंट थ्री आएगा, आप बताएंगे सर ये पॉइंट कितना आएगा, ये थ्री आएगा, पॉइंट कितना आएगा सॉरी पॉइंट टू आएगा, तो पॉइंट टू आएगा, ये देखिए थ्री थ्री इस तरह से आपको मिलता रहेगा, ये टू पॉइंट कुछ आएगा, तो पहले नंबर पर ये आएगा, ठीक है पहले नंबर पर ये आएगा 4/15, 4/15 देखिए किस में दिख रहा है, आप बताएंगे सर ये इसमें दिख रहा है, पहले नंबर पर ये आएगा और दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपका ये आएगा और तीसरे नंबर पर क्या आएगा आपका ये आएगा, क्योंकि ये देखिए 0.333 इस तरह से दिया गया है और ये अशांत है जबकि ये शांत, ये इतने पे ही कट गया है, क्लियर है। तो इन दोनों में अगर आपको बड़ा काउंट करना है तो बड़ा ये वाला होगा, ये आपका छोटा माना जाएगा, ये इस तरह से भी आगे दिया गया, क्लियर हुआ ये। तो पहले नंबर पर ये आएगा 4/15, 4/15 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया और किसी में नहीं दिया गया, अगर आप इसे लिखेंगे तो पहले नंबर पर ये आ गया और दूसरे नंबर पर ये आ गया और तीसरे नंबर पर ये आ गया, तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, और ये एनटीपीसी में पूछा गया 2017 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 31 बटा कितना दिया गया 2.5 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार डॉट इस तरह से दिया गया है कि बाद समाप्त होगा, यानी दो दशमलव स्थानों पर समाप्त होगा, इसको डिवाइड करेंगे तीन दशमलव स्थानों पर समाप्त होगा या तीन दशमलव से अधिक स्थानों पर समाप्त होगा या एक दशमलव स्थान पर समाप्त होगा। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूं, अगर देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं कि ये जो दशमलव है ना इसको हम लोग हटा रहे हैं, तो ऊपर नीचे क्या कर दिए 10 का मल्टीपल कर दें, अगर ऊपर नीचे 10 का मल्टीपल कर देंगे तो ये नीचे कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग कर क्या सकते हैं, अगर देखिए मैं नीचे किसी तरह से इसको डबल जीरो बना लूँ, यानी नीचे 100 बना लूँ तो और आसान हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशन, 25 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम लोग इसको 100 बना ले रहे हैं, तो 100 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 का मल्टीपल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, क्लियर हुआ। मैंने 4 का मल्टीपल इसलिए किया ताकि ये नीचे अगर जीरो रहेंगे ना, जीरो रहेंगे तो दशमलव लगाने में आसानी हो जाएगी, हम लोग डिवाइड करने से बच सकते हैं और कोई बात नहीं है, डिवाइड करने से बचने के लिए ही मैंने 4 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया ताकि इसमें गुणा करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका मल्टीपल करेंगे तो ये जीरो रहेगा और ये कितना हो जाएगा, ये इतना हो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब देखिए नीचे एक जीरो बचा है ना तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो जब एक अंक पे दशमलव लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, इतना, तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा आप बताएंगे सर, एक अंक पे दशमलव लगेगा, कितने अंक पे लगेगा, एक अंक पे दशमलव लगेगा, तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया, दशमलव कितने अंक पे लगेगा आप बताएंगे एक दशमलव स्थान पर लगेगा, दशमलव जो एक स्थान पर लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है, आपसे पूछा गया कौन सा इसमें शांत दशमलव निरूपण है, ये शांत दशमलव का क्या मतलब होता है, एक शांत दशमलव होता है और एक क्या होता है, अशांत दशमलव होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे अगर देखा है तो जैसे मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया 1/5, अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2, इतनी बार में ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, इतनी बार में ये कट जाएगा, अगर ये कट गया, जैसे मैं यहाँ पे एक और लिख रहा हूँ कितना 1/3, अब यहाँ पे भाग जाएगी नहीं, जैसे मैंने दशमलव लगा यहाँ पे कितना हो गया 10, तो 3×3 9 और बचा कितना 1, फिर वहाँ पे 0 बढ़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा 3×3 9 3×3 9 3×3 9, इस तरह से आपको मिलता रहेगा इस तरह से आपको मिलता रहेगा। ये देखिए यहाँ पे कट गया लेकिन ये नहीं कट रहा है, जो कट जाएगा पूरा पूरा इससे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे, इससे हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे, जो नहीं कटेगा उससे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया, शांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, बाकी चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा रखा है फ्रैक्शन चैप्टर में। सबसे पहले देखिए इसको अगर आप देखेंगे यहां से गुणा करेंगे 5 × 5 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, होगा कि नहीं होगा, तो अगर आप यहां से देखेंगे यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 5×5 और 6/5,
जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया और बचा कितना 1। जैसे दशमलव लगा दिया तो वहां पे कितना हो गया 10, तो 5 दुना कितना हो जाएगा 10। ये देखिए पूरा पूरा कट गया, अगर ये पूरा पूरा कट गया तो ये क्या है, शांत दशमलव है। तो पहला वाला ही ऑप्शन क्या आपका, ये शांत दशमलव है, यही आपसे पूछा गया। अगर आप आगे वाले को काटेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, इस तरह से बार बार आपका रिपीटेशन होता रहेगा, ठीक है, बार बार रिपीट होता रहेगा, ये आपका पूरा पूरा नहीं कटेगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं किसी ऑप्शन को लेकर के। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव में है। शांत दशमलव का मतलब ये कि जिसे आप डिवाइड करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, आपसे ये पूछा गया। इन चारों में कौन शांत है, आपसे ये पूछा गया। अगर मैं पहले वाले को पकड़ूं यहाँ से तो कितना दिया गया, इतना है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे काट दूं 3 से तो 3 × 5 = 15 हो गया, और ये कितना हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये नीचे कितने जीरो बच जाएंगे, आप बताएंगे सर ये डबल जीरो बचे, तो मैंने इनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब ये देखिए इससे कटेगा क्या, आप बताएंगे हाँ सर ये कट जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2.5 मिलेगा। अब नीचे दो जीरो बचे हैं ना, तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, दो अंक और इधर खिसक जाएगा। अगर ये दो अंक और इधर खिसकेगा तो पॉइंट इस तरह से आप लिखेंगे, दशमलव दो अंक देखिए मैंने पीछे खिसका कि नहीं खिसका, यहाँ पे था 1, 2 अंक मैंने पीछे खिसका दिया। ये देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा, ये आपका वर्ड जो है यानी कोई संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, तो इस तरह से बता सकते हैं कि ये क्या होगा, शांत दशमलव होगी, यानी यही वाला ही सही हो जाएगा, आगे मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 15/600 देखिए कौन सा, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया, जैसे अगर ये पूरा पूरा नहीं कटता यानी बार बार किसी अंक का बार बार रिपीट होता, रिपीटेशन होता, तब हम लोग क्या करते, अगला लेकर के चेक करते। लेकिन पहला वाला ही हम लोगों ने लिया, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, आपसे ये पूछा गया। यानी जो शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, मतलब आपसे पूछा कि अशांत आपसे पूछा, यानी इनमें कौन अशांत दशमलव, आपको ये बताना है। इस प्रश्न का मतलब ये कहा है कि नहीं क्या, उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं हो, तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा, अशांत आपसे पूछा है, कौन इनमें अशांत है आपसे ये पूछा है, अशांत दशमलव आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले देखिए अशांत दशमलव पूछा गया है ना, तो यहां से अगर देखा जाए तो सभी में ये देखिए 0, 0, 0 दिख रहे हैं सभी में, अगर सभी के हर में देखा जाए तो 0, 0 दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये कट जाएगा। इस वाले हर में देखिए अब 0 नहीं बचा, इसका मान कितना यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये 24/45 दिख रहा है। अब यहाँ पे बाकी में देखेंगे तो सभी में 0, 0 दिख रहे हैं ना, तो आपको ये पता होगा कि जिस संख्या या कह सकते हैं कि जिसके हर में अगर 0 दिखेगा तो वो पूरा पूरा कट जाएगा, वो आपका अशांत नहीं होगा। तो देखिए जितने में आपको देखिए 0, 0 दिख रहे कि नहीं दिख रहे हैं, तो ये क्या है आप बताएंगे, ये सब क्या है, शांत दशमलव है, ये सब क्या हो जाएंगे, शांत दशमलव हो जाएंगे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूं कि मैंने आपको इसमें ये बताया, अगर किसी भी संख्या या कह सकते किसी भी फ्रैक्शन में अगर हर में जीरो आपको दिखे तो वो क्या होगी, शांत दशमलव होगी, या शांत फ्रैक्शन बोल सकते हैं आप, इस तरह से आप बोल सकते हैं शांत दशमलव वो होगी, ये तीनों शांत दशमलव हो जाएंगे, बाकी इसमें 0 देखिए नहीं दिख रहा, तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आपसे तो यही पूछा अशांत, तो कौन सा हो जाएगा, इसका डी वाला आपका हो जाएगा। आप चाहे तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखाई दे रहा हूं, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 3 × 8 = 24 हो गया, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3 × 3 = 3, 3 × 5 = 15। अब कि यहां से भाग तो जाएगी नहीं, जैसे अगर मैं दशमलव लगा दूं तो यहाँ पे कितना हो गया 80 हो गया, तो 15 × 5 कितना हो जाएगा, ये 15 × 5 = 75, बचा कितना 5, फिर इसको डिवाइड करेंगे 15 × 3 = 45 हो गया, फिर 5 बचा, फिर 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, इस तरह से आपको मिलता रहेगा। क्या ये शांत दशमलव है क्या, आप बताएंगे ये शांत दशमलव नहीं है, ये क्या है, अशांत दशमलव। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन क्या करेंगे, आप आंसर बता देंगे।
जो तरीका मैंने आपको पहले बताया आप उससे देख करके भी आंसर बता सकते हैं कि इनमें कौन आसान थे। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जिसके हर में जीरो दिखेगा ये क्या होंगे, शांत होंगे। बाकी तीन ऑप्शन तो होंगे नहीं, यही क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको चेक करके भी दिखा दिया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है, आपसे ये पूछा गया है। यानी इनमें आपसे पूछा कौन अशांत है, आपको ये बताना है। देखिए मैंने आपको पीछे तरीका बता दिया कौन शांत है कौन अशांत है, कैसे निकालते हैं या कैसे पता करते हैं पीछे मैं आपको तरीका बता चुका हूँ। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे, ये आपके लिए क्या होमवर्क है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया, बस अब रहने दे रहे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो लोग नए हैं, फ्रैक्शन चैप्टर मैंने आपको बहुत पहले पढ़ा दिया है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या प्लेलिस्ट में आपको अपडेट कर दूंगा, आप वहां से जाकर के फ्रैक्शन चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है ना, फ्रैक्शन चैप्टर आप वहां से पढ़िए या जहां भी आप कमेंट करते हैं मैं वहां पे उस वीडियो का लिंक पिन कर दूंगा, तो वहां से भी जाकर के आप फ्रैक्शन चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। बस अब रहने दे रहे, इसका एक वीडियो और आएगा, फ्रैक्शन चैप्टर की एक वीडियो और आएगी, एक या दो वीडियो और आएगी इस चैप्टर।